वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले पल्सर 125 में, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि स्टार्ट करने पे इसका थ्रोटल है वो अप डाउन हो रहा है और रेस नहीं ले रहा है। तो ये हमारे पास गाड़ी आई हुई थी, हम इसको दिखाते हैं आपको स्टार्ट करके, देख सकते हैं। तो स्टार्ट किए, स्टार्ट हुआ, क्लटर लेने पर बंद हो जा रहा है, लेने पर बंद हो जा रहा है। तो इसको चेक करने के लिए हमने ऐसे ही बंद हो जा रहा है। तो हम लोग ने पूरा देखते हैं, थोड़ा सा कुछ करके बैटरी के कनेक्शन छुड़ा के देखेंगे पहले। तो हम लोग आते गाड़ी से, गाड़ी बंद हो जाती है। तो हम लोगों ने बॉस टूल लगाकर बॉस टूल लगा कर चेक करते हैं कि कुछ प्रॉब्लम बता रहा है कि नहीं बता रहा है। देखिए, हम लोगों ने बॉस टूल लगाया, बैटरी ये बता रहा है और कुछ नहीं बता रहा है। ये तो डिलीट हो गया। हम लोग इसका बैटरी चार्जर चेंज करके देखते हैं कि हो जाता है कि नहीं। ठीक है, हम लोग बैटरी चार्जर इसका चेंज करेंगे क्योंकि इसी का प्रॉब्लम लग रहा है हमको, करंट नहीं आ रहा है। वैसे कौन बैटरी चार्जर है, इसको लगाएंगे। इसको बोल्ट कहाँ गया जी? हाँ, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग ये पहले वाला बैटरी चार्जर है और यहाँ पे दिखाइए, हमने नया बैटरी चार्जर इधर लगा के और इसका सॉकेट, अभी इसका सॉकेट ये है। तब तो स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करते हैं, यही खराब हो गया था इसका। एक देख लीजिए जो अपना ये पुराना वाला बैटरी चार्जर अपना इधर है और नया वाला हमने इधर लगा के बस टेस्टिंग के लिए इधर इधर कर लिया है। अभी देखिए थ्रॉटल ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइट भी देखिए इसका तेज हो गया है, हॉर्न भी देखिए कितना तेज बज रहा है। अभी देखिए, तो यही सब था, इसमें प्रॉब्लम और कुछ नहीं था। तो गाड़ी एकदम पंच हो चुकी है, हम इसमें नया बैटरी चार्जर डाल देंगे और उसमें बाकी सब वही रहेगा। ठीक है, अभी देखिए बंद भी नहीं हो रहा है गाड़ी।